नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है जहां जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का भूपेंद्र चौधरी ने फीडबैक दिया और उन्होंने यूपी में हार का नैतिक जिम्मा भी लिया है। कम सीटें आने पर यूपी में 40,000 लोगों से बीजेपी ने बातचीत की और 25 जून तक यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रिपोर्ट रखी जाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की और इस मुलाकात में यूपी में जो नतीजे आए उसको लेके बात की, हार के जो कारण रहे उसकी जानकारी दी और उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली इन नतीजों की, क्योंकि वो उम्मीद थी 80 का टारगेट और पार्टी आधी सीटें भी नहीं ला पाई। उत्तर प्रदेश में 14 और 19 के बाद एक बड़ा नुकसान सियासी तौर पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 14 में बेहतर प्रदर्शन किया, 19 में उससे बेहतर प्रदर्शन किया और 24 के चुनाव में बिल्कुल आधे पे आ गए, आधे से भी कम पे आ गए। तो 25 जून तक यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। और दिल्ली से पीयूष हमारे संवाददाता, स्कंदिता लखनऊ से हमारी संवाददाता है। पीयूष, जेपी नड्डा से मुलाकात की है भूपेंद्र चौधरी ने, जाहिर है यूपी में जो नतीजे आए उसको लेके बात हुई होगी, लेकिन क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज यूपी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई है और करीब 30 मिनट तक ये मुलाकात चली है। इस मुलाकात का नाम जो है वो एक तरीके से शिष्टाचार मुलाकात जरूर दिया गया है, यानी कि भूपेंद्र चौधरी का कहना था कि हम आए थे सिर्फ बधाई देने के लिए आए थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन चूंकि ये 30 मिनट मुलाकात चली है और सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर हम बात तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कम आई है, इसको लेकर एक तरीके से समीक्षा की गई है और यह भी सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार चिंतन और मंथन कर रही है और करीब 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, सांसद हो, सबसे, यानी कि करीब 40,000 लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक फीडबैक लिया है या यूं कहें कि उनके साथ बातचीत की है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि 25 तारीख को पूरी तरीके से समीक्षा करके एक रिपोर्ट, जो विस्तृत रिपोर्ट है वो पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। हालांकि सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है 26 या 27 जून को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो दिल्ली में होगी और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, तो उसमें भी एक तरीके से ये देखा जाएगा कि आखिर जो बीजेपी की सीटें इस बार कम आई है उसका मुख्य कारण क्या रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आलाकमान को ये भी बताया गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर वर्षों से रहे हैं, खासतौर पे स्वर्ण वोट बैंक की अगर हम बात करें, उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से ज्यादातर संख्या में काटे गए हैं, इसकी भी जो जानकारी है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर कर रही है। इसके अलावा ये भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि बीजेपी के अंदर क्या वाकई में कुछ बागी थे। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा संगीत सोम, संजीव बालियान सहित तमाम ऐसे नेताओं के भी बयान कहीं ना कहीं निकलकर सामने आए थे और एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ही गुटबाजी हुई और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ? इसके अलावा अगर हम बात करें बिल्कुल कई विषयों को लेकर बात होगी, आपके पास आता हूं। लेकिन स्कंदिता, चूंकि हार के कारणों को तो तलाशा जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन ये जो मुलाकात दिल्ली में हो रही है, यूपी में इसको लेके किस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं? चूंकि जाहिर है कि वो इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि जो नतीजे रहे उसका जिम्मेदार मैं हूं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस हार की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और अगर बात की जाए तो बीजेपी टास्क फोर्स मंथन किया है, समीक्षा की है कि आखिर कहाँ हमारी चूक हुई है, कहाँ हमसे कमियां रही हैं जो हमें इतनी बुरी हार यूपी में मिली है, जहाँ 2014 में उनका बेहतर प्रदर्शन था, 2019 में भी
उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, लेकिन 2024 की अगर बात की जाए तो आधी सीटें भी बीजेपी वाले जीत नहीं पाए, सीधा 3100 एंगल की टैटर सीटें निकल कर आई हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां कहां चूक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की बात की जाए तो उस समय पहले वो अयोध्या भी गए थे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा की, आखिर क्या कुछ वो कारण रहे थे उसको जानने का प्रयास किया पार्टी पदाधिकारियों के साथ। साथ ही अंदर खाने कहां मतभेद चल रहा है, कौन किसको पसंद नहीं कर रहा है, कौन विश्वासघात कर रहा है, इन चीजों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बारीकी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हार का भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उनका मानना है जो ये बीजेपी टास्क फोर्स की टीम बनाई गई है, इस दौरान बीजेपी के 40,000 जो बीजेपी ने 40,000 लोगों से बातचीत की है और बातचीत करके पूरा फीडबैक तैयार किया है, और यही फीडबैक लेकर आज भूपेन्द्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अमित शाह से जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जो हार हुई है उसकी समीक्षा लगातार बीजेपी कर रही है, क्योंकि अब विधानसभा उपचुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में उन सीटों पर भी तैयारियां करनी है और अगला जो टारगेट होगा वो विधानसभा चुनाव 2027 होगा, तो ऐसे में हार की एनालिसिस करना बेहद जरूरी हो जाता है। और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी पूरी जिम्मेदारी से काम को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर खाने भीतर क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ पार्टी को डेंट पहुंचा है, उसकी रिकवरी कैसे की जाए, उसका लगातार प्रदेश अध्यक्ष प्रयास कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि कहाँ कुछ कमियां रही है, क्या कुछ वो कारण निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो पाया गया वो था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट रिट्रीट किए गए थे, जो सांसद 2014 में थे 2019 में थे उनके टिकट रिपीट किए गए, जबकि जनता जो थी वो जो सांसदों के कार्यों से प्रसन्न नहीं थी। तो ऐसे में ये भी बड़ा कारण रहा है कि लोगों ने खुलकर जो है बीजेपी को वोट नहीं किया, और जो वोट परसेंटेज हमने देखा कि इस बार कई चरणों में वोट परसेंटेज कम रहा, तो कहीं ना कहीं कारण लगाया जाता है कि क्या ये वोट परसेंटेज विपक्ष का है या बीजेपी का है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का वोट परसेंटेज था जो कम निकला, और वो लोग थे जो निराश थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन विपक्ष में भी वो अपना जो है नया विपक्ष को भी वो वोट नहीं किया, और ऐसे में उन्होंने नाखुश होकर नाराज होकर किसी को भी वोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है कि बीजेपी के जो लोग थे वो वोट में तब्दील नहीं हो पाए और बीजेपी जो है एक अच्छे खासी सीटें यहाँ पर नहीं निकाल पाई यूपी में। इसके अलावा अगर यूपी में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की या प्रधानमंत्री मोदी की छवि की बात की जाए तो उनकी छवि पर कोई डेंट नहीं हुआ है, उनकी छवि जो है वो अच्छी है, लेकिन सांसदों के कार्य से खुश नहीं नजर आए। इसके अलावा अगर उनकी कार्यकर्ताओं की बात की जाए बीजेपी की, तो उनकी भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, ना थाने पर, ना चौकी पे, ना तहसील में, तो ये भी एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया है। इसके चलते भी लोगों ने वोट नहीं किया, तो तमाम पहलुओं पर अब मंथन चल रहा है, समीक्षा हो रही है, 25 जून तक पूरी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी, उसके बाद उस पर बैठक भी होगी। जी पीयूष, चूंकि अब लगातार अलग अलग कारण तलाशे जा रहे हैं कि जो प्रदर्शन रहा इसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, खासकर उत्तर प्रदेश जहां 80 का टारगेट लेके पार्टी चल रही थी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। जाहिर है इसके बाद कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, कुछ फेरबदल भी संगठन और पार्टी में हो सकते हैं। पीयूष बिल्कुल, और ये बड़े बदलाव जल्द ही देखने को मिलेंगे, संभवतः जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी उसके बाद एक दो और महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी हो सकती है, और गृहमंत्री अमित शाह के भी आवास पर यह बैठक हो सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और खासतौर पर यह जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं अंदर खाने कि कई जगहों पर जो जिन मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है उनसे पार्टी आलाकमान नाराज नहीं है, यानी कि वहां पर कारण कुछ और थे, सांसद अच्छे चुने गए थे, प्रत्याशी जो बनाया गया था सांसद के लिए उनको बेहतर बनाया गया था, नाम बेहतर थे, लेकिन कारण कई थे। खासतौर पर अयोध्या के लिहाज से अगर हम बात करें तो लल्लू सिंह को लेकर आलाकमान में उतनी नाराजगी नहीं है, आलाकमान इस बात पर कोटटोलने में लगा हुआ है कि आखिर अयोध्या में हार के वजह क्या रही, कारण क्या रही, और यही कारण है कि तमाम लोगों से बातचीत जो है वो की जा रही है। कई जगहों पर ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई या तमाम बीजेपी के कई नेताओं ने भी यह आरोप लगाए कि जो अधिकारी हैं वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, और खासतौर पर राजू दास के प्रकरण को आपने देखा होगा, तो इसको लेकर भी अगर हम बात करें तो आज ये भी सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजू दास के प्रकरण को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया है। हालांकि जो भी बैठक होती है, जो भी अंदर बातचीत होती है वो अंदरूनी रूप से होती है, आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से कई तरह की कई विषयों को लेकर इसमें बात भी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।